असला डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रायन मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर थर्टीन के नुमेरिकल्स तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ सो चैप्टर नंबर थर्टीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नुमेरिकल थर्टीन पॉइंट वन

पार्टिकल पे जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन पावर माइनस नाइनटीन कुलम सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं क्यू चार्जेज दैट इज माइक्रो माइक्रोकुल सो माइक्रो की वैल्यू होती है टेन दस दावर माइनस सिक्स तो इस माइक्रो की जगह मैं लिख रहा हूं टेन टू टू पावर माइनस सिक्स कूलम सिमिलरली जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन टू टू पावर माइनस नाइनटीन कूलम और आपने फाइंड क्या करना है सो टू फाइंड दैट इज एन नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आपने फाइंड आउट करने हैं सो द सॉल्यूशन इज एज वी नो दैट एन इज इक्वल्स टू क्यू बाय ई इसमें वैल्यूज पुट करें सो एन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई बाय टेन दस टू दावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर माइनस नाइनटीन ओके अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद आंसर आ जाएगा एन इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन दस टू दावर फोर्टीन ओके सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इक्वल होंगे हंड्रेड कूलम चार्ज के क्लियर सो राइट द रिजल्ट रिजल्ट में यहां पर लिख रहा हूं 6.25 multiplied by 10 raised to the power 14 number of charge would be equal to 100 microcoulomb Equal to 100 micro coulomb. Clear? I hope you numerical you have understood. So, move to the next board. So numerical 13.2 Two point charges Q1 is equal to 10 micro coulomb and Q2 is equal to 5 micro coulomb are placed at a distance of 150 centimeter. What will be the coulomb force between them? ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स सो इस्टुमेरिकल में हमसे कहा गया है एंड वन फिफ्टी सेंटीमीटर तो इनके दरमियान कूलम फोर्स कितनी होगी ये आपने फाइंड करनी है और आपने उस फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है कि उस फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है ओके okay? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं क्यू वन इज इक्वल मल्टीप्लाईक्रो को हमने रिप्लेस कर दिया टेन टू दावर माइनस सिक्स है उसकी वैल्यू से सो क्यू टू चार्ज दैट इज फाइव माइक्रोकुल अगेन आप माइक्रो की जगह लिख दें टेन टू दावर माइनस सिक्स कुलम क्लियर नाउ द डिस्टेंस r दैट इज 150 सेंटीमीटर इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें मीटर में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं इसको हंड्रेड से डिवाइड करके सो so, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर क्लियर एंड सिमिलरली आपने फाइंड क्या करना है दैट इज फोर्स सो टू फाइंड That is force so write the solution as we know according to the coulomb's formula that f is equals to k q1 q2 divided by r ka square so putting the values in the formula f is equals to k ki value hai 9 multiplied by 10 to the power 9 q1

So, this is the force. Now, write the result zero point two Newton is the force of repulsion. And its direction is away from from the charges जैसा कि हमसे क्वेश्चन किया गया था ऑल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड करनी थी सो एज यू नो कि आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है कौन सी फोर्स होगी यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी अब फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो हमेशा क्या करती है रेपेल करती है मीन के चार्जेस को दूर धकेलती है ओके दैट्स वाई इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द चार्जेस के ये फोर्स क्या करेगी उन चार्जेस को आपस में दूर धकेलेगी क्लियर सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल सो 13.3 द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ई चार्ज सो क्वेश्चन हमसे कहा गया है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिट्वीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज आइडेंटिकल मीन कि दोनों चार्जेस सेम है और उनके درمیان जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट इज 0.8 न्यूटन और व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट के चार्जेस जो है वो 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ई चार्ज तो आपने उन दोनों चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं फोर्स है 0.8 न्यूटन और डिस्टेंस जो हमें दिया गया है आर दैट इज जीरो पॉइंट वन मीटर और आपने फाइंड क्या करना है सो टू फाइंड हमने चार्जेस फाइंड करने हैं दैट इज क्यू वन एंड क्यू टू सो राइट द सोल्यूशन

q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर जैसा कि हमने कहा कि चार्जेस आइडेंटिकल हैं q1 q2 q के इक्वल है सो रिप्लेस एट q1 की जगह पर मैं q लिख रहा हूं q2 की जगह पर भी मैंने q लिख दिया एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अब वैल्यूज आप पुट करें फोर्स की वैल्यू है 0.8 न्यूटन इज इक्वल्स टू k की वैल्यू है 9 by 10 रे टू द पावर 9 क्यू क्यू मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा क्यू का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर आर है जीरो पॉइंट वन तो इसका हम स्क्वेयर ले लेंगे ओके okay? अब आपने क्यू फाइंड करना है तो बाकी वैल्यूज को हम इस साइड पर ले आते हैं जीरो पॉइंट वन यहां डिवाइड हो रहा है तो यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड सिमिलरली नाइन मल्टीप्लाई बाय टेन इज टू दावर नाइन ये यहां पर डिवाइड हो जाएगा और बाकी रह जाएगा क्यू स्क्वेयर क्लियर अब इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बहुत साइड्स ये वैल्यू है जीरो पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट वन का स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय नाइन मल्टीप्लाय बाय टेन डेज टू दावर नाइन ओके So, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल क्यू का आंसर आ जाएगा आपके पास नाइन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टेन रेस टू पावर माइनस सेवन कूलम, ओके सो दिस इज द वैल्यू ऑन ईच चार्ज दैट इज नाइन पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टेन रेस्ट पावर माइनस सेवन कूलम, सो नाउ राइट द रिजल्ट The value of each charge is 9.4 multiplied by 10 raised to the power minus 7 coulomb. Clear? Now move to the next numerical. Now, numerical number 13.4. टू चार्जेस रेपल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 पॉइंट वन न्यूटन वेन दे आर फाइव सेंटीमीटर अ पार्ट फाइंड बिटवीन द सेम चार्जेस वेन दे आर टू सेंटीमीटर अ पार्ट ओके इसमें टू चार्जेस हैं वो रेपल कर रहे हैं और उसके दौरान फोर्स कितनी है 0.1 पॉइंट वन न्यूटन की वेन दे आर फाइव सेंटीमीटर पार्ट जब वो फाइव सेंटीमीटर अ पार्ट है नो फाइंड द फोर्स आपने फोर्स फाइंड करनी है इन्हीं सेम चार्जेस के दरमियान और अब ये चार्जेस जो हैं ये जस्ट टू सेंटीमीटर अपार्ट हैं तो अब इनके दरमियान फोर्स कितनी होगी ये आपने फाइंड आउट करनी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं फोर्स दैट इज 0.1 पॉइंट न्यूटन और इस वक्त डिस्टेंस कितना है आर

हमने फाइंड क्या करना है हमने एक फोर्स फाइंड करनी है जब ये चार्जेस टू सेंटीमीटर अपार्ट हैं ओके सो हमने फोर्स एफ डैश हमने फाइंड आउट करनी है क्लियर सो राइट द सॉल्यूशन As वी नो अकॉर्डिंग टू द Coulomb's लॉ एफ इज इक्वल्स टू k क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्र सो इस फॉर्मुले में वैल्यूज फुट करें फोर्स की वैल्यू है दैट इज जीरो पॉइंट वन न्यूटन के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू है जीरो पॉइंट जीरो फाइव होल का स्क्वेयर ओके सो जीरो पॉइंट जीरो फाइव होल स्क्र सिमिलरली ये वैल्यू यहां डिवाइड हो रही है तो इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी सो जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव होल स्कोर एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू सो यहां से आपके पास के क्यू वन क्यू टू की एक वैल्यू आ गई अब अगेन हम दोबारा से यही कूलम्स लॉ का फॉर्मूला यूज करेंगे नाउ एफ इज इक्वल टू के क्यू वन Q2 टू डिडेड बाय आर अब इस जगह हम फोर्स F डैश लिखते हैं और सिमिलरली R जो है डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो R डैश सो अगेन क्योंकि चार्जेस जो हैं वो सेम टाइप के थे दैट्स वाई हम सेम चार्जेस Q1, Q2 टू यहां पर भी यूज करेंगे सो so F डैश जो कि आपने फाइंड करना है ये एज इट इज आ जाएगा अब क्योंकि चार्जेस सेम थे तो इसकी वैल्यू यही सेम वैल्यू हम यहां से हम वहां पुट कर देते हैं क्यू वन क्यू टू इक्वल है जीरो पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो फाइव होल का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर डैश का स्क्वेयर आर डैश की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज जीरो पॉइंट जीरो टू होल का स्क्वेयर अब इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव न्यूटन ओके सो जब चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस टू सेंटीमीटर अपार्ट होगा तो उसके दरम्यान फोर्स कितनी होगी दैट इज 0.625 न्यूटन सो नाउ राइट द रिजल्ट सो द रिजल्ट इज द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस टू सेम चार्जेस ज जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव न्यूटन वेन दे आर टू सेंटीमीटर अपार्ट को आई होप ये फोर मैरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा टेक केयर अल्लाह हाफिज